भाजपा की सरकारें हमेशा करती आई है। पैसा है नहीं, किस तरह से घूम रहा राजस्थान की जनता को करें। पहली वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी, उसमें से सिर्फ यही समझ में आया कि 20 हैंडपंप एक विधानसभा को मिलेंगे, बाकी सब कुछ गोल कर दिया। पहली महिला मुख्यमंत्री इस राजस्थान की, जिनका डरी जबान से कुछ सदस्य नाम ले रहे थे, वो सदन में मौजूद नहीं थी। सभापति महोदय, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इस बजट में सिर्फ मोदी जी और भजन लाल जी, इन दो शब्दों के अलावा मुझे लगता है कि कुछ भी इस राजस्थान की जनता के लिए नहीं था। सभापति महोदय, 3 घंटे वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ा और हर कोई सदस्य इस उम्मीद में बैठा था कि अब कुछ ना कुछ उनके लिए घोषणा होगी, उनके सेक्टर को मिलेगा, इस राजस्थान को नया कुछ मिलेगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से भाजपा की सरकारें हमेशा करती आई है, पैसा है नहीं और बजट किस तरह से घूम रहा राजस्थान की जनता को करें। 3 घंटे पढ़ा और उसमें से सिर्फ यही समझ में आया कि 20 हैंडपंप एक विधानसभा को मिलेंगे, बाकी सब कुछ गोल कर दिया, जो कि हमेशा परवर्ती रही है। और पहली वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी और जैसा इससे पहले सदस्यों ने कहा, इनकी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री इस राजस्थान की, जिनका डरी जबान से कुछ सदस्य नाम ले रहे थे, वो सदन में मौजूद नहीं थी। सभापति महोदय, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और मेरे से पूर्व सदस्य ने कहा कि कबीरा का एक दोहा पढ़ा कि दो पाटों के बीच में जो आ गया वो बचा नहीं, लेकिन आपके तो पाट 3-3 हो रहे हैं, आप जरूर बच के रहना, किसी पाट के नीचे आप लोग नहीं आ जाएं। सभापति महोदय, इस बजट में सिर्फ मोदी जी और भजन लाल जी, इन दो शब्दों के अलावा मुझे लगता है कि कुछ भी इस राजस्थान की जनता के लिए नहीं था। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को लेकर बजट जो हमेशा से एक इस राजस्थान के लिए एक अच्छी मिसाल पेश हुआ, उस बजट में शिक्षा का नाम ही हटा दिया गया, उसको युवा विकास एवं कल्याण के साथ शामिल कर दिया गया। 1 लाख नौकरियों की घोषणा आप लोगों ने की और उसमें से कोई वर्गीकरण इस राजस्थान की जनता के सामने इस सदन में आपने नहीं रखा। आपने ये नहीं बताया कि इन 1 लाख नौकरियों में आप संविदा पे देंगे, नरेगा में लगाएंगे, शिक्षा विभाग में लगाएंगे, चिकित्सा में लगाएंगे। ये उसी तरीके की घोषणा है जैसी मोदी जी ने 15 लाख रुपए की घोषणा लोगों के लिए की थी। तो ये इस तरीके की एक जो चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि गुमराह जनता को कर दो, 1 लाख नौकरियां देंगे, उसका वर्गीकरण भी तो बताते कि इस विभाग में देंगे, अब देंगे, कब देंगे। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस राजस्थान की जनता के लिए एक भीख मांगना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो कैसे बयान बनने के बाद उनके आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं उल्टा लटका दूंगा, कभी DNA टेस्ट करा रहे हैं, कभी किसी के पिताजी का पता मांग रहे हैं और अकबर का नाना कौन था, ऐसे ऐसे शब्द आने के बाद उन्होंने आप राजस्थान की जनता के सामने रखे हैं। इस राजस्थान की जनता का, इन बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित करें, एक अलग डिपार्टमेंट आप मदन दिलावर जी के लिए बना दें ताकि वो बयान देते रहें और आप उनका पक्ष लेते रहें। जिस तरीके से आदिवासियों के लिए उनके शब्द थे, माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कोई भी शिक्षा मंत्री इस तरीके के बयान नहीं देखे गया। आपने और सभापति महोदय, इससे पहले बयान अभी सदस्य बोल रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हमने गैंगस्टर एक्ट बना दिया, टास्क फोर्स बना दी, हमने 100 लोग गिरफ्तार कर लिए। सभापति महोदय, मछलियां पकड़ी अब तक, हम ये कह रहे हैं कि हम भी शामिल है तो गिरफ्तार करो, सिर्फ नारे और भाषणों से, जिस वजह से आप लोग सत्ता में आए हो, जो पेपर लीक के मामले में आप लोग मुद्दा बनाकर सत्ता में आए हो, आपने प्रदीप पाराशर को पकड़ा है, लेकिन उसको नौकरी पे उस जगह ड्यूटी पे देने वाला कौन था,
और मुझे पता है कि वहां तक आपकी जांच नहीं जाएगी, क्योंकि आरएलडी केंद्र में आपके साथ सत्ता में आपकी भागीदार हैं। तो सभापति महोदय, न्याय जो वादे आप लोग करके आए हो, जो लोग नारे आप लोग देकर आए हो, उन पर भारतीय जनता पार्टी काम करे। सभापति महोदय, इस बजट को वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खड़े होकर राजस्थान की जनता से माफी मांगकर शुरू करते तो मैं समझता हूं कि वो न्याय इस जनता के साथ करते। 50 साल में पहली बार सभापति महोदय, जो बिजली की स्थिति रही 20-20 घंटे गांव में कटौती, और 4 घंटे भी जो बिजली आ रही थी उसमें वोल्टेज नहीं थे, तो जिस तरीके की व्यवस्था आपने दी बिजली में, आप पूर्णतया फेल। किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन बनने में साल दो साल लगते हैं, पहले महीने में लोग आपके खिलाफ आ गए। पानी बिजली को लेकर जो स्थिति आप लोगों की रही, वो राजस्थान की जनता ने आपको लोकसभा में उसका उत्तर दिया। जिन अभी एक सदस्य संविधान को लेकर खड़े हो रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा देकर नया संविधान बनाना चाहते थे, सभापति महोदय मोदी जी के नाम का संविधान बनाना चाहते थे, उन लोगों को अंबेडकर जी की याद आई। यह मैं समझता हूं कि इस जनता ने करके दिखाया। और जो 400 पार नया संविधान जो नारा दे रहे थे सभापति महोदय, उनके कान के पास से निकलिए, केवल पार पार हुए, 400 पार नहीं हो पाए। और सभापति महोदय, इस देश के किसान को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक को, जो इनकी डिक्शनरी में नहीं था भाजपा की में, उसको बार बार याद कर रहे हैं। इस बजट में कम से कम बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो लिया दिया कुमारी जी ने, इससे पहले तो आप लोग भूल ही गए थे कि बाबा साहब ने तो संविधान बनाया ही नहीं, मोदी जी ने संविधान बनाया है। तो यह स्थिति सभापति आप लोगों की है। जे जे एम जो योजना है प्रधानमंत्री जी, हर घर नल, पूरा हो गया आपका समय नहीं हुआ सभापति महोदय, 2 मिनट बच रहे, मैं लगा के पढ़ रहा हूँ, पूरा हो गया मेरा 2 मिनट बच रहे हैं, 7 मिनट 5 ही मिनट हुए हैं। सभापति महोदय, जो नल, हर घर नल की जो योजना आप लेकर आए, उसमें एक भी गांव में आपका पानी नहीं पहुंचा है। श्री उदयलाल डंगे, श्री गोपीचंद मीणा, माननीय सभापति महोदय, मेरे को बजट 2024-25 पर बोलने का मौका अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं, सबको 7 मिनट मिल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं कर रहा, मैं सबको 7 मिनट दे रहा हूँ, इनको भी और इनको भी। या बोलने वाले 28 है या बोलने वाले 13 है। अब राजिए सदस्य, ऐसे नहीं होता, आप बोलिए, आपका समय प्रारंभ हो गया।